अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके सभी पालतू जानवर ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को हमने कल बताया कि कल की वीडियो में, संडे मार्केट की वीडियो में, कि हमको मार्केट जाने में लेट हो गया था दोस्तों। वो क्यों हुआ था दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा नर अभी मट्टी खा रहा है, पत्ते खा रहा है, ये नर का दोस्तों अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बच्चे भी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, इसकी मादी इनके साथ क्या हुआ दोस्तों, आपको बताते हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पर हमारे कबूतर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं आराम से, ठीक है ना दोस्तों। तो वो मादी इन तीन दिन पर पे थी दोस्तों, मैंने उसके पर काट करके रखा था। फिर भी दोस्तों नहीं पता वो कैसे ऊपर चली गई, नए नए शायद पंख आ गए होंगे उसको साइड से, क्रीज झाड़ते रहता ना कबूतर दोस्तों पंख, तो वही झाड़ के आ गया होगा शायद उसका पंख। तो दोस्तों वो मादीन क्या हुई, वहाँ बैठ के जाके ऊपर खाने लगी कुछ, फिर वहाँ से उड़ के वहाँ सामने बिल्डिंग पे गई, फिर वहाँ से उड़ के फिर यहाँ आई दोस्तों, फिर खाने लगी कुछ। फिर दोस्तों अचानक नहीं मालूम कहानी क्या हुआ, यहाँ पे इस बिल्डिंग जो सामने देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जहाँ फाख्ता बैठा हुआ आप देख रहे हैं, इसके वो साइड पीछे वाली बिल्डिंग पे जाकर बैठ गए दोस्तों। पीछे वाली बिल्डिंग पे जब बैठ गए दोस्तों, तो मैंने क्या करा, अपने एक कबूतर को ऊपर भेजा, जो अपना लालसिरा कबूतर है, जो अभी बच्चों को खिला रहा शायद, तो उसको मैंने ऊपर भेजा दोस्तों कि वो लेके आ जाएगा। तो उसको देख के दोस्तों एक कलसिरा भी अपना चला गया ऊपर, फिर उसको देख के ये अपना हरा भी चला गया ऊपर, देख सकते हैं ये हरा। तो ऐसे ही करके दोस्तों कल हमारे 3 से 4 कबूतर भाग गए थे दोस्तों छत पे से, ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद इधर उधर इधर उधर सब चले गए। तो उन लोगों को देखने के चलते दोस्तों रोज़ा भी था मैं कल, तो कभी उस बिल्डिंग पे जा रहा हूँ और कभी इस बिल्डिंग पे जाके देख रहा हूँ कबूतर लोग को। तो हमारा एक कलसिरा क्या हुआ दोस्तों, इस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे, तो वहाँ जाके बैठ गया था दोस्तों। तो हम अंकल की छत पे थे, देख रहे थे कहाँ गया कहाँ गया, तो कलसिरा तो उधर से गया था और मादिन इस बिल्डिंग के पीछे थी दोस्तों। तो हमने क्या किया कि एक दो कबूतर को ऊपर बैठा दिया था दोस्तों कि उसको देख के आ जाएगा। तो ये हरा तो इसको बैठाए थे दोस्तों, तो ये क्या करा, ये भी भाग गया। ये तो दोस्तों आ गया परकटा में, जैसा गया था वैसे ही आ गया। कलसिरा दोस्तों वहाँ से उड़ा, आपको बताते हैं कहाँ पे चला गया था दोस्तों। वहाँ से उड़ गए दोस्तों, आपको इस बिल्डिंग के पीछे दोस्तों, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोगों को हम निशान लगा के दिखा देंगे दोस्तों। वहाँ जाके बैठ गया था दोस्तों कबूतर हमारा, तो वहाँ पे जाके बैठ गया था दोस्तों। फिर वहाँ से हमने क्या किया, कबूतर को ऊपर बैठाया, तो ऊपर कबूतर को देख के दोस्तों वहाँ से आके वो जो हरी टंकी देख रहे दोस्तों वहाँ बैठा, फिर वहाँ से दोस्तों आ गया वो कबूतर। और जो दोस्तों मादीन थी दोस्तों, वो नहीं पता दोस्तों कहाँ चली गई, क्योंकि आप लोगों को बताए थे हम, क्योंकि कबूतर उड़ता है तो यहाँ पे बैठने नहीं देते हैं कबूतर को कोई भी, तो उधर से भर्री मार मार के दोस्तों उधर चला गया कबूतर। फिर उस तरफ जाने के बाद दोस्तों फिर कबूतर वापस नहीं आई, तो उसी लिए हमको कल लेट हो गया था दोस्तों कल मार्केट जाने में। देख सकते हैं पानी तो पी लिया है ना, अब आके बच्चे को खिलाएगा दोस्तों। उसके बच्चे दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बच्चे के देख लीजिए दोस्तों, ये है उस मादीन के बच्चे, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। अगर दोस्तों आप लोग अगर फुलवारी के हैं कहीं के, अगर आप लोगों के पास इसकी माँ आई है, तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अकेला बाप इन दोनों को नहीं पाल सकता, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग दे देंगे तो बहुत। और दोस्तों इसकी कहानी बताते हैं हम, ये दोस्तों हमारे सेटअप से एक दिन गायब था दोस्तों, इसके लिए भी हमने वीडियो बना लिया था कि हमको लगा था कि दोस्तों बिल्ली इसको खा गई होगी। इसके साथ क्या हुआ दोस्तों आपको बताते हैं, नहीं पता दोस्तों आजकल क्या हो रहा कबूतर के साथ, कोई ना कोई कबूतर इधर उधर चला जाता है। तो इसके साथ क्या हुआ दोस्तों कि ये इधर बैठ गया था और हम कबूतर बंद कर दिया, इधर चलते चलते जाके उधर कहीं नीचे गिर गया दोस्तों हमारा कास नहीं। तो उसके लिए दोस्तों मैं बहुत परेशान। लास्ट में दोस्तों मैंने वीडियो एडिट कर दिया था, बना के डालने ही वाला था यूट्यूब पे, तो यहाँ पे जो कबूतर पाले हुए हमारे भाई बगल में हमारे घर के, तो उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई किसी ने ला के दे दिया कबूतर, बोले कि आपका कबूतर नीचे गिर गया था तो कोई ला के उनको दे दिया था दोस्तों। हम दिखाते हैं उनका घर कहाँ पर है,
जस्ट मेरे घर के बगल में दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बांस लगा हुआ है, यहाँ भी कबूतर पाले हुए हैं भाई। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों अगर कोई कबूतर वापस कर देता है अपना कबूतर गया हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ उस मादिन की, जो मादिन हमारे सेटअप से चली गई है। तो प्लीज़ दोस्तों उसमें मैं अपना नंबर भी डाल दूँगा, स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो होगा। तो अगर आपके पास वो मादिन आई है तो प्लीज़ दोस्त भाई दे दीजिए कबूतर, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए वीडियो में कौन सी मादिन है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मादिन हमारी है जो घर से चली गई। ये बच्चे को खाने के लिए कुछ खा रही थी दोस्तों, उतने में नहीं पता कैसे डर गई किसी चीज़ से, उड़ के चली गई, ठीक है ना दोस्तों। देख लीजिए मादिन को अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जिस भी भाई के पास हमारी वो मादिन है तो प्लीज़ भाई दे दीजिए, हम अपना नंबर भी आपको उसमें शो कर दिए हैं, तो दे देंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छा होगा आपकी दुआ से हमारे दो बच्चे जो मेरी अपनी माँ से बिछड़ गए हैं, समझिए वो लोग मिल जाएंगे आपको, शायद दुआ लग जाए कबूतर की, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।